असल में मेरा मसला है कि जी फिजिकली बहुत कमजोर भी हूँ, पतली की प्रॉब्लम है जिसका दर्द और तकलीफ से मुझे होता है, और ज्यादातर प्रेगनेंसी में होता है। और ये पतली मुझे जी लास्ट प्रेगनेंसी में हुई थी, तो अभी इस प्रेगनेंसी में पतली का ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं। और मेरे घर में भी बहुत संगीन मसले हैं जिसकी वजह से हर दिन तकलीफ से गुजरती हूँ। छोटा सा बच्चा भी है मेरा, और अकेले भी रहते हैं, जी कोई हेल्प के लिए भी नहीं है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफों से दर्द से मुझे गुजरना पड़ता है, तरह तरह के दर्द होते हैं। और मुझे कुछ काम भी करना है, कुछ पैसे के इंतजाम के लिए, कुछ घर में भी पैसे तो बहुत मसाइल चल रहे हैं। तो क्या जी इस सब के वजह से क्या मतलब प्रेगनेंसी अभी 1 महीना हुआ है, क्या उसको मैं अबॉर्शन करा सकती हूँ? मुझसे कोई गुनाह तो नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए मेंटली फिजिकली मैं फिलहाल बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मुझे बहुत इसके बारे में बहुत परेशान हो रही हूँ। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, शख्स हिस्सा का कहना यह है ना कि वो अभी 1 माह की प्रेग्नेंट है और उनको जी पत्री का प्रॉब्लम है और जी उनकी फिजिकली मेंटली हालत भी ठीक नहीं है, और जी प्रेगनेंसी के दौरान जो है पत्री का दर्द ज्यादा होता है। उनकी खिदमत करने वाला, उनको देखभाल करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है और उनको कमाने की भी जरूरत है। तो ये जी पूछ रही हैं कि क्या वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। देखिए मेरा 1 साल का छोटा सा बच्चा है जिसको टमटोना भी जी होता है, एक छोटा बच्चा भी है शेख उनका, और एक इससे पहले हाँ जी वाला। बिल्कुल वाजह है, सवाल क्लियर है इनका। आप देखिए, जी मुनासिब तो ये था, मुनासिब ये था कि जब आपको परेशानी थी और छोटा बच्चा भी था और आपकी जो है सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी, तो आप जो है थोड़े दिनों के लिए तवक्कुफ कर लेती, थोड़े दिनों के लिए प्रेगनेंसी को डिले कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चूंकि आपने ऐसा नहीं किया और प्रेगनेंसी हो गई है और अब आपको ये सारी परेशानियां आ रही हैं, आप डॉक्टरों से मशवरा कीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी में एक परेशानी होती है नॉर्मल परेशानी, वो तो हर औरत को होती है भाई, कुरान ने भी उसको जी मशक्कत का बाइस बताया है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रेगनेंसी परेशानी से खाली होती है, औरत को परेशानी होती है और हर औरत को होती है, कुरान ने भी उसको पॉइंट आउट किया है उस परेशानी को। तो अगर वो जी जो नॉर्मल परेशानियां होती हैं प्रेगनेंसी की हालत में, अगर बात सिर्फ उतनी है तब तो एबॉर्शन नहीं करवा सकते। लेकिन अगर डॉक्टरों का कहना यह है कि आपको परेशानी हो सकती है, किसी बड़ी तकलीफ और परेशानी में आप मुब्तला हो सकती हैं इस प्रेगनेंसी की वजह से, और प्रेगनेंसी अभी 1 ही महीने का है, तो डॉक्टरों के जी मशवरे से आप उसका एबॉर्शन करवा सकती हैं। लेकिन जब डॉक्टर ये बताएं कि अगर इसको आपने कंटिन्यू किया, तो जैसे आपने बताया आपको पथरी की परेशानी है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, आप उसको नहीं झेल सकती, आपकी सेहत की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसको झेल पाएं, तो अगर इस जी तरह की बात है और 1 ही महीने का की प्रेगनेंसी है तो उसका एबॉर्शन करवा सकती हैं। लेकिन आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि अगर इस तरह की परेशानी हो तो थोड़े दिनों के लिए प्रेगनेंसी को डिले करना चाहिए, जिसकी इजाजत है। दरअसल बात यह है कि प्रेगनेंसी होने के बाद हमारी शरीयत उसको दूसरी निगाह से देखती है। प्रेगनेंसी होने से जी पहले आपको इजाजत दी जाती है कि आप थोड़ा डिले कर लीजिए, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर, जैसा आपको जरूरत है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिए। लेकिन एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद, गोया कि होने के बाद उसको आप जाये कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में जब बड़ी परेशानी हो तभी आप जाये कर सकती हैं। तो अगर हकीकत में आपको बहुत बड़ी परेशानी है जिसके जिसको झेल पाना आपके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टरों वगैरह से मशवरा करके आप एबॉर्शन करवा सकती हैं। हादा महंदी वल्लाहु अलम बिस्सवाब। जी सिस्टर, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद शेख ने कहा कि जी डॉक्टर अगर कहे कि हाँ हकीकत में आपको तकलीफ हो सकती है, बड़ी परेशानी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप करवा सकती है। यही शेख ने आपको जवाब दिया है। बाकी मैंने परेशानी जैसे बताई कि जैसे मैं अकेली रहती हूँ और छोटा सा बच्चा भी है, बहुत सारी वो प्रॉब्लम्स हैं मुझे, बहुत ज्यादा बताया मशक्कत ना, में मैं पड़ हमने जाऊंगी आप इसके लिए। अरशद भाई, जैसे अगर डॉक्टरों का कहना ये है कि आपको परेशानी तो होगी लेकिन आप जो है इसको झेल ले जाएंगी और इंशाल्लाह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी सेहत इतनी ज्यादा खराब हो जाए इसकी वजह से कि जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाए, अगर ऐसी सिचुएशन है तब तो किसी तरह से वो परेशानी आप उठा करके उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं नहीं, अगर आप इसको कंटिन्यू करने जाएंगी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी आप, कोई बड़ी जी बीमारी आपको हो जाएगी, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी इसको। अगर इस तरह की बात है तो फिर एबॉर्शन करवा दीजिए।
और अगर ऐसी परेशानी है जिसको झेल सकती हैं तो मत करवाइए जी।